बरेली में विजयदशमी के शुभ अवसर पर महाराणा प्रताप सेवा समिति द्वारा बरेली बार भवन में 32वां दशहरा पूजन हवन सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं मेघावी क्षत्रिय छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें हवन उपरांत सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए। तत्पश्चात कुल 196 प्रतिभाशाली क्षत्रिय वीरों एवं वीरांगनाओं को सम्मिलित किया गया, जिसमें छात्र मानस चौहान पुत्र डॉक्टर दुष्यंत चौहान ने हाई स्कूल में 96.8% अंक लेकर समारोह का टॉपर बना, जिसको कार्यक्रम अध्यक्ष रंजना सोलंकी, मुख्य अतिथि पूर्व DSP राजेश्वर सिंह एवं पूर्व सांसद स्वर्गीय राजवीर सिंह के पुत्र धीरेंद्र प्रताप सिंह धीरू, विशिष्ट अतिथि रवि शरण सिंह, पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह पुंडीर द्वारा सम्मानित किया गया। समारोह की अध्यक्षता वीरांगना रंजना सोलंकी ने की, जिनका माला पहनाकर सोनम तोमर ने स्वागत किया। रंजना सोलंकी, जो है आज विजयदशमी है, जो कि राम जी ने रावण पर विजय पाई थी और इस धरती को रावण के आतंक से मुक्त कराया था, जिसके कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती थे। आज विजयदशमी, तब से हम हजारों वर्षों से मनाते चले आ रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में हम लोग, ये हमारे क्षत्रियों का मुख्य त्यौहार है, जिसमें कि हम लोग शस्त्रों का पूजन करते हैं। और महाराणा प्रताप सेवा समिति दुष्यंत चौहान जी हमारे हर वर्ष, पिछले 2 वर्ष से मना नहीं पा रहे थे कोरोना के कारण, बच्चों को सम्मानित करने, जो क्षत्रिय समाज के बच्चे हैं उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम भी इसमें रखा जाता है, जिससे कि क्षत्रिय समाज कुछ और अग्रसर हो और शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़े। मैं डॉक्टर रवि शरण सिंह चौहान, प्रधानाचार्य जनार्दन सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज वैभव नगर बरेली, और इस महाराणा प्रताप जयंती आज कार्यक्रम का मैं विशेष अतिथि हूँ। और दुष्यंत चौहान के द्वारा, क्षत्रिय समाज के द्वारा पूरा आयोजन कराया गया है। हाँ जी, बताइए। विजयादशमी के दिन शस्त्र पूजन का कार्यक्रम महाराणा प्रताप सेवा समिति प्रत्येक वर्ष करा रही है। लगभग 32 वर्षों से कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है और क्षत्रिय समाज का जो भी बंधु है यहाँ पर आकर के अपना शस्त्र पूजन का कार्यक्रम करता है, जिस प्रकार से महाराणा प्रताप जी के साथ सर्व समाज खड़ा हुआ था, उसी प्रकार से उस प्रतीक के रूप में हम लोग महाराणा प्रताप जयंती बड़े धूमधाम से मनाते हैं और सर्व समाज का सहयोग क्षत्रिय समाज के साथ हमेशा की तरह आज भी खड़ा हुआ है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।